सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, कोई भी ट्रैक्टर किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो खेती किसानी काम के लिए आज के समय को देखते हुए अति आवश्यक है। किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर है मेरा महिंद्रा यूवो 585 DI। ये ट्रैक्टर फरवरी 2022 में लिया था मैंने। RC पे 49.9 यानी 50 हॉर्स पावर लिख के आता है। कंपनी वाले बताते हैं कि ये 52 हॉर्स पावर है। 4x4 ट्रैक्टर है किसान भाइयों। 5-6 महीने से मेरे पास काम कर रहा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस की वीडियो भी इसकी पड़ी हुई है। किसान भाइयों, 4x2 और 4x4 ट्रैक्टर में फ़र्क ये है कि जब आप 4x2 ट्रैक्टर से कोई काम करते हैं तो उसके पिछले टायरों में हल्के हल्के स्लीपेज बनी रहती है, जिससे RPM ड्रॉपेज भी आती है और ट्रैक्टर की स्पीड रफ्तार नहीं बन पाती है खेत में, जिससे डीजल अधिक लगता है और जो कवरिंग एरिया है खेत का वो कम रह जाता है। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में कंपनी वालों ने बम्पर नहीं दिया था, इसका बम्पर अलग से बनवा कर लगवाया गया है और बहुत हैवी बम्पर इसमें किसान भाइयों लगवाया गया है। ये पूरा फ्रेम इसका बनवाया गया है और ये अलग से एक बॉक्स वाला वेट रखा हुआ है। 2.25 क्विंटल का बम्पर है ये। और इसके टायर में महिंद्रा के जो जेन्युइन वेट आते हैं वो सेकेंड हैंड में ख़रीद के लगवाए गए हैं। 22 किलो वज़न है इनका। किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर 3 गियर में आता है, लो हाई मीडियम 3 स्पीड गियर। 3 स्पीड गियर में आता है और इसका जो टॉर्क है किसान भाइयों वो 198 Nm कंपनी कहती है। किसान भाइयों, P2HP इसकी बहुत अच्छी है। P2HP बहुत बढ़िया PTO काम करता है। 45.5 लगभग P2HP है इसकी। और ये स्लिप PTO, मतलब इंडिपेंडेंट क्लच दी हुई है इसकी PTO की। 4-व्हील डुअल क्लच मैट, मैट मतलब मल्टी एप्लीकेशन ट्रैक्टर। किसान भाइयों, अब आपको दिखाते हैं इसके P2HP जो दिखाया हुआ है, यहाँ पे लिख रखा है। ये देखिए किसान भाइयों, 45.4 यानी लगभग 45.5। अब किसान भाइयों, इसका प्लेटफॉर्म आपको दिखाते हैं। ऑपरेशनल एरिया जो इसका है बहुत अच्छा है। ये गियर है इधर 1, 2, 3, 4 और रिवर्स। ये इधर लो हाई मीडियम में दे रखा है गियर। ये इसका इंडिपेंडेंट PTO क्लच है। ये 4-व्हील ड्राइव वाला गियर है। इसको आगे करेंगे तो इंगेज हो जाता है, पीछे करेंगे डिसंगेज हो जाता है। ये PTO वाला है, इसको फॉरवर्ड और रिवर्स 2 PTO आती हैं किसान भाइयों इसमें। इस ट्रैक्टर के जो लिफ्ट कैपेसिटी है, लिफ्टिंग क्षमता जो इसकी है, वो किसान भाइयों 17 क्विंटल यानी 1700 किलो। किसान भाइयों, बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, माइलेज भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। इस ट्रैक्टर के अभी टायरों में पानी नहीं भरवाया गया है, वेट ब्लास्टिंग की गई है। फ्रंट में बम्पर लगा हुआ है, आगे टायर में वेट लगवाए गए हैं। इस समय जो इस ट्रैक्टर का वज़न है वो 25 क्विंटल है। किसान भाई, उसका ये चढ़ने वाला बार बार यहाँ से टूट जाता था, एक पत्ती अलग से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्डिंग करवा दी गई है। किसान भाई, 4-व्हील ड्राइव में आगे हैवी बम्पर या आगे वेट ब्लास्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो इसके फ्रंट व्हील हैं, आगे के टायर हैं, ये स्लिप ना मारें और आपको पूरी परफॉर्मेंस मिल पाए ट्रैक्टर की। इसमें पीछे के टायर किसान भाइयों 14-9-28 मिलते हैं आपको, और जो फ्रंट के टायर हैं वो 9-5-20 के मिलते हैं।
आगे किसान भाइयों आपको इसकी परफॉर्मेंस वीडियो दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।